हमारा जो पल्पी वाला पेप्सी का जूस है वो तैयार हो चुका है और ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ना, आप देखोगे कितना गाढ़ा हुआ ये, और ये जैसे जैसे एक टाइम बाद और गाढ़ा होता जाएगा, पल्पी और बनता जाएगा। इसके अंदर आप 1 रुपए वाली, 2 रुपए वाली, 5 रुपए वाली तक है वो पेप्सी बना सकते हो। मार्केट के अंदर हमारा सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है नॉर्मल वाली पेप्सी, पानी वाली पेप्सी का, जिसका किट हमने मात्र 3200 रुपये रखा है। लेकिन अभी लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही है कि जो पानी वाला पेप्सी है ना, वो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया। किसी ने फुली ऑटोमेटिक मशीन लगा दी, किसी ने सेंसर वाली मशीनें लगा दी, किसी ने लाखों रुपए की मशीनें लगा दी। तो वहाँ पे उनके सामने जो हमारा छोटा बिजनेस है, मात्र 3200 रुपये में स्टार्ट होने वाला बिजनेस है, वो उनके सामने टिक नहीं पा रहा है। या ऐसा बोलो कि उनमें थोड़ी सी कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है। तो लोगों ने हमें बोला कि आप कुछ ऐसा करिए जिससे हमारा मार्केट के अंदर टेस्ट भी बढ़िया हो और हम उनसे अगर ज़्यादा प्रॉफिट में काम करें तो हमारा मार्केट के अंदर सेल भी बढ़े। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये स्पेशली फ्लेवर हमने तैयार करवाया है कंपनी की तरफ से, जिसके अंदर स्पेशल हमने पल्प डलवाया है, जिससे आपके जो पेप्सी है ना वो गाढ़ी बनेगी, टेस्टी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनेगी। यानी आपको टेस्ट लगेगा जैसे कि मैं रियल में कुछ खा रहा हूँ या पी रहा हूँ, उसका जो टेस्ट रहेगा ना वो बहुत ही अच्छा रहेगा, कुछ हल्का सा गाढ़ा रहेगा, जिससे टेस्ट भी बढ़िया रहेगा और छोटे बच्चों को बहुत ही अच्छी आएगी। और सबसे अच्छी बात, ये जो पल्पी वाली पेप्सी रहेगी, ये नॉर्मल पानी वाली पेप्सी और पल्पी वाली पेप्सी दोनों की जो कॉस्टिंग है 99% सेम रहेगी। यानी कि जो 25 पेप्सियों का बंच है पानी वाली पेप्सी का, वो भी आपका 9 रुपये में तैयार होता है, और इसका जो पल्पी वाली पेप्सी का जो बंच है वो भी 25 पेप्सियों का 9 रुपये में ही तैयार होगा। यानी कि आपका जो कॉस्टिंग है वो सेम रहेगी, लेकिन आपका मार्केट के अंदर माल का जो क्वालिटी है वो 10 से 15 गुना बढ़ जाएगा। यानी जहां पे एक पानी पानी दिखता है पेप्सी में, एक आपका दिखेगा पल्पी वाली पेप्सी, जिसके अंदर हल्के हल्के फ्रूट के रेशे भी रहेंगे, जिससे मार्केट में आप ऑन डिमांड माल बेच सकते हो। और उसका बनाने का पूरा प्रोसेस कैसा है, कहां से बाय करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, हमारे एप्लीकेशन पे जाना है जिसका नाम है राइट ह्यूमन, प्ले स्टोर पे पड़ा है। और नहीं अगर समझ में आता है तो आप मेरे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राइट ह्यूमन लिखा हुआ है, वहां पे डायरेक्ट जैसे ओके करोगे प्ले स्टोर पे खुल जाएगा। आपको इसे इंस्टॉल करना है, अपना नाम पता एड्रेस डालना है, और आपको जो भी आइटम उसमें से पसंद आती है, जैसे जेली पेप्सी हुई, पल्पी पेप्सी हुई, नॉर्मल पेप्सी हुई, न्यू पेप्सी किट हुआ, इसके अलावा सिंगल नोजल, डबल नोजल, 4 नोजल, जेली वाली पेप्सी, कैंडी वाली पेप्सी, कप सीलिंग मशीन और खूब सारे प्रोडक्ट, जैसे आपको पाउच चाहिए, फ्लेवर चाहिए या सिरप चाहिए, स्वीटनर चाहिए, नींबू सा चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप ऑल ओवर इंडिया के टोटली 29,000 या 29,000 पिन कोड पे आप वहां से हमारे प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज, वहां पर अगर आपको प्रोडक्ट का, किसी प्रोडक्ट का रेट अगर 5,000 रुपये बताया है, 200 रुपये बताया, 300 रुपये बताया, तो उसमें GST, कोरियर चार्ज, पैकिंग चार्ज सब कुछ इंक्लूड है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना है। और यहाँ पर दोस्तों, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो अगर देखे होंगे तो जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पानी वाली पेप्सी किस प्रकार से बनानी है, उसके बाद जेली वाली पेप्सी वो किस प्रकार से बनानी है, और फाइनली हम एक नया कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आए, क्योंकि मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन बढ़ गया, तो कॉम्पिटिशन को फाइट करने के लिए हम आज आपके लिए लेकर आए एक स्पेशल किट, जो कि है पल्पी वाली पेप्सी। एक बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट रहने वाला, और इस कॉन्सेप्ट से आप हर महीने अच्छी खासी इनकम है वो ले सकते हो। इस बिजनेस को आप सिर्फ, ये भारत का सबसे सस्ता बिजनेस है अब तक का, और इस बिजनेस को आप अपनी पॉकेट मनी से भी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब कि आप अगर स्टूडेंट हो, गृहिणी हो, या फिर अगर आपके पास कोई भी काम वगैरह नहीं है, तब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके अच्छा खासा मुनाफा है वो कमा सकते हो। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हो, उसके बावजूद इस बिजनेस को किसी दूसरे बंदे को काम पर रख कर भी अच्छा खासा पैसा है वो कमा सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि पल्पी वाली पेप्सी हम किस प्रकार से तैयार करेंगे और मार्केट कैप्चर इसका किस प्रकार से रहने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये एक टंकी ले ली है, और आपको इस प्रकार की एक टंकी लेनी है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी। आप इसके अंदर कोई भी XYZ RO का पानी यूज कर सकते हो, नल के अंदर जो पानी यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि आप इसके अंदर अगर गर्म पानी लेते हो तब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है वो रहने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर पानी ले लिया। अब मैं इसके अंदर मिक्स कर देता हूँ शुगर। आप इसके अंदर शुगर मिक्स करते हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका टेस्ट बना रहेगा। इसके अंदर आप सैक्रीन भी है वो यूज कर सकते हो। तो मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया पूरा ये वाला शुगर।
अब मुझे इसके अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। और यहाँ पर दोस्तों इसके बाद शक्कर को मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर आपको मिक्स करना है इस प्रकार का पल्पी फ्लेवर। और सबसे अच्छी बात ये कि इससे के अंदर जो भी मतलब कि अगर ये ऑरेंज की है तो ऑरेंज का ऑटोमेटिकली इसके अंदर पल्पी फ्लेवर आ जाएगा, मैंगो तो है मैंगो आ जाएगा, लेमन है तो लेमन आ जाएगा, लीची है तो लीची आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये खास हमने कंपनी से ये कहकर बनवाया ताकि फ्यूचर के अंदर जो नए कंटेंट आएंगे ना पेप्सी के रिगार्डिंग वो सारे पल्पी वाले ही आएंगे। तो मैं इसके अंदर इसको अच्छे तरीके से मतलब कि मिक्स कर देता हूँ। ये मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया और यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर मैंने फ्लेवर है वो मिक्स कर दिया और आप देख पाओगे कि ये पूरा मतलब कि अच्छे तरीके से आपका जूस है वो रेडी हो चुका है। मतलब कि कोई आपको बिना कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक दो मिनट के अंदर आपका पूरा जूस है वो बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। चलिए अब ये जूस जो रेडी हो चुका है इसके अंदर मुझे अब इसको टेस्ट देने के लिए प्रकार का जो कंपाउंड है जो पार्ट भी है वो इसके अंदर है मुझे मिक्स करना है। ये जो कंपाउंड है इससे इसका टेस्ट है वो और भी लाजवाब हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको इसके अंदर है वो मिक्स कर देता हूँ। ये मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है और यहाँ पर दोस्तों इसकी लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए अप टू 3 मंथ मतलब कि 3 महीने तक इसकी वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर डाल देता हूँ प्रिजर्वेटिव। और यहाँ पर दोस्तों प्रिजर्वेटिव आता है उसकी क्वालिटी अलग अलग आती है लेकिन ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी का है। इसको अगर आप खरीदना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन पर डायरेक्टली इसको है वो मतलब कि बाय कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा नहीं सिर्फ और सिर्फ 2 ढक्कन है वो मिक्स कर देता हूँ। इससे क्या है इसकी लाइफ है वो मतलब कि बढ़ जाएगी आपके 3 महीने तक। अब इसको यहाँ पर दोस्तों मैं बिल्कुल ही पूरे अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देता हूँ और आप देख पाओगे कि आपका जूस है वो बिल्कुल ही रेडी हो चुका है और आप अपना खुद का बिजनेस इस प्रकार से अपना स्टार्ट है वो कर सकते हैं। पर दोस्तों फाइनली हमारा जो पल्पी वाला पेप्सी का जूस है वो तैयार हो चुका है और ये मैं आपको बताता आने वाला हूँ। तो जैसे आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो आप देखोगे कितना गाढ़ा हुआ ये और ये जैसे जैसे एक टाइम बाद और गाढ़ा होता जाएगा, पल्पी और बनता जाएगा। इसके अंदर आप 1 रुपये वाली, 2 रुपये वाली, 5 रुपये वाली तक है वो पेप्सी बना सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस प्रकार से मैं फील करना है बहुत ही लाजवाब टेस्ट के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर अगर मुझे मैंगो के अंदर रोल के अंदर फील करना तो मैं मैंगो रोल के अंदर फील कर सकता हूँ, अगर मुझे ट्रांसपेरेंट के अंदर करना तो ये ट्रांसपेरेंट के अंदर भी हो जाएगा। और ये जो एस्टीमेट आता है ये 60 माइक्रोन के रोल आते ताकि मशीन से अच्छी तरीके से वो आपके कट हो जाएंगे। और बाकी जो रोल आते अगर आपको सस्ते मार्केट के अंदर मिलता है तो उसके जो माइक्रोन की कैपेसिटी आती है यानी कि माइक्रोन की जो क्वालिटी आती है वो बहुत ही लोएस्ट आती है तो इसके अंदर लीकेज की आपके प्रॉब्लम है वो हो सकती है। ठीक है, ये मैंने रोल ले लिया, मैं यहाँ से इसको आसानी से इसके अंदर मतलब कि डाल देता हूँ नल के अंदर। अब नल के अंदर फील करने के बाद लोगों की शिकायत आती है कि इसको मतलब कि कैसे करना था। यहाँ पर दोस्तों एक टैप आपको लेनी है, यहाँ पर आप चाहे तो इसके अंदर धागा वगैरह भी वो बांध सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर कर दिया, अब मैं यहाँ से इसका नल है वो स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप देख पाओगे कि जूस मतलब कि आ रहा है, अब ये आसानी से मतलब कि पूरा भरना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से मतलब कि पल्प बाहर निकल रहा है और पल्प आसानी से मतलब कि पेप्सी के अंदर जा रहा है। मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट आपके धूम मचा देगा, धूम, क्योंकि मार्केट के अंदर पानी वाली पेप्सी खूब बिकती है लेकिन ये जो पल्पी वाली पेप्सी जब बच्चे भी खाएंगे और रिटेलर आपसे डिमांड करेंगे नहीं मुझे ये वाली पेप्सी ही चाहिए। हम ये पहली पेप्सी मैं काटने वाला हूँ तो यहाँ इतना जो पार्ट है वो आपके ऑटोमेटिक वेस्ट हो ही जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये कट कर दी, देख सकते हो कि मैं पहली पेप्सी काटने वाला हूँ तो आप इतना इसके अंदर मतलब कि आपको जूस है वो फील करना है। ठीक है, यहाँ से मतलब कि आप प्रेस तो आप देख पाओगे कि ये पेप्सी हमारी है वो मतलब कि बिल्कुल ही पैक हो चुकी है, उसके बाद ये लीकेज की प्रॉब्लम नहीं करेगी। अब होता ये है कि जब आप पीछे से प्रेशर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रखते हो ना तब आपकी शिकायत है वो होने लगती है। देख सकते हो कि मतलब कि ये जो अभी पेप्सी तैयार हो रही है ना ये 1 रुपये के अंदर इसको आप दो आराम से मतलब कि बेच सकते हो। ठीक है, अगर आपको इससे थोड़ी बड़ी साइज करते हो मतलब कि 5 इंच करते हो इतनी बड़ी करते हो तो ये मार्केट के अंदर आपके 2 रुपये के अंदर बिकेगी और अगर इससे भी बड़ी करते हो तो 3 रुपये के अंदर इसको अंदर आराम से आप है वो बेच पाओगे। आपने दोस्तों देख लिया कि पेप्सी मतलब कि आपको किस तरह से कट करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 1 रुपये वाली, 2 रुपये वाली और 3 रुपये वाली का क्या हिसाब किताब रखोगे आप। अगर आपको जैसे कि 1 रुपये वाली बनानी है तो इसके अंदर आपको 5 इंच का है वो पार्ट कट करना पड़ेगा। ये आपकी जो पेप्सी बनेगी ना ये बनेगी आपकी 1 रुपये वाली, मतलब कि इसके अंदर आपको 5 इंच का है वो पार्ट टुकड़ा है वो कट करना है और आसानी से आप इस मशीन के माध्यम से 5 इंच की वो पेप्सी काट सकते हो। तो ये जो बन रही है अभी ये
एक रुपये वाली बन रही है। अगर इसको मुझे दो रुपये वाली पेप्सी बनानी है तब मुझे इसकी जो साइज़ है वो थोड़ी सी और बड़ी करनी पड़ेगी। और यहाँ पर दोस्तों इसकी मैं साइज़ जस्ट इसे डबल कर दूंगा ना तो ये पेप्सी है वो दो रुपये वाली आपके बन जाएगी। और इतनी बड़ी पेप्सी है तो ये दो रुपये वाली आपके बन जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो पेप्सी है ये आपके बन गई है दो रुपये वाली। अब मार्केट के अंदर डिमांड आने लग गई है कि एक रुपये के अंदर दो पेप्सी, एक रुपये के अंदर दो पेप्सी। तो यहाँ पर दोस्तों इसके छोटे छोटे बहुत ही छोटे छोटे पार्ट करने आपको और इसके अंदर जो है ना आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ये फायदा कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार अगर आप छोटे छोटे इसे टुकड़े करोगे ना तो ये एक रुपये के अंदर दो आपके पेप्सी वो आसानी से वो बिक जाएगी। और इस मशीन के माध्यम से आप बहुत ही फास्ट स्पीड से मतलब कि इसकी कटिंग है वो कर सकते हो एक रुपये की दो।